मैं डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी, आज हम इस एवी स्टूडियो में कच्चा रास्ता और किसान मूवी के दो गाने रिकॉर्ड करने आए हैं। और ये हमारी शॉर्ट फिल्म है, किसान तो ऑलरेडी बन चुकी है लेकिन ये गाने की वजह से अटकी हुई थी, तो आज ये गाना रिकॉर्ड करके हम उसको रिलीज कर देंगे। और ये दोनों भी शॉर्ट मूवी है, और किसान का जो गाना मैं गा रहा हूँ ये आज तक आपने कभी मैयत पे गाना नहीं सुना होगा, यानी कोई आदमी मर जाता है उसके बाद का कोई गाना आज तक बना नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये गाना मैं गा रहा हूँ, और पहली बार ये गाना ऐसा बना है कि आपको आपकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। और दूसरा गाना जो मैं बना रहा हूँ वो कच्चा रास्ता मूवी से है। कच्चा रास्ता मूवी ये है कि इसमें एक बंदा होता है जिसका बहुत सारी जमीन होती है, और एक भाई होता है जो भाई उसका मर्डर कर देता है उसके गुंडों के साथ मिलकर, तो उसकी आत्मा तड़पती रहती है, तो वो भूत बन के वो सबको मारते रहता है। तो ये गाना उस पर बना हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए कि आदमी ने ऐसा कृत्य नहीं करना, किसी को मारना बहुत बड़ा पाप है, और खास करके जमीन और जायदाद के लिए मारना बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसी के ऊपर हमारा एक गाना है कि वो बंदा आता है जिस लोगों ने उसे मारा है उसके उसको ही ये खुद आके भूत बन के मारता है, और उसी पे पूरा गाना है। तो ये गाना आज हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एवी स्टूडियो में। मेरे साथ में आपा आडव विष्णु साहब और पूरी नंदू किरकर जी की टीम है जो मेरे साथ बहुत सारे शो वगैरह कर चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये गाने को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए, क्योंकि ये गाना मैंने बहुत दिल से गाया है, और आप ये देखिए गाना देख के आपको बहुत मजा आएगा और सुन के और ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिमांशु जी के साथ बहुत साल से काम कर रहा हूँ, और इनके दो मूवी है किसान और कच्चा रास्ता, ये दोनों का अरेंजमेंट सब पूरा मैं कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा गाना बना है। क्यों? और गाना ऐसा बना है कि हम लोग सिटिंग म्यूजिक सिटिंग में हम लोग, मैंने खुद 40 बार गाया गाना मतलब आप समझिए कि कितना गाना हिट है, सुपर हिट है ऐसा है। और बहुत ही अच्छे सिंगर भी है, और उनके साथ शोज मैंने इतने शोज किए, आज भी टॉप में उनकी वॉइस क्वालिटी एकदम बढ़िया है, और ये गाना भी उनका ही है, वही गा रहे प्लेबैक सिंगर ऐसा। और जैसे बोलते ना कि क्या बोलते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि नंदू दादा ने किशोर कुमार के साथ बजाया, आज मेरे साथ बजा रहे, जो गुरु है उनका चेला भी आज उनके साथ है। सोचो मेरा सौभाग्य है कि गुरु ने तो काम किया, अभी चेला भी काम कर रहा है। धन्यवाद दादा, आप हमारे साथ रहिए, आपकी छोटे बढ़ती रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। एवी स्टूडियो का मालिक प्लस रिकॉर्डिस्ट, 1996 से ये स्टूडियो थाना में शुरू किया, वो थाना में पहला स्टूडियो है। यहाँ ज्यादा करके मोस्टली पहला भजन वगैरह जब बड़े बड़े लाइव शो होते थे, नेपकवा तबला सिंगर छे कोरस ऐसा जो रिकॉर्डिंग होता था, तो ऐसा ये मेरा बड़ा स्टूडियो है। और यहाँ बहुत काम हो गया है, वैसा चाहिए तो एक टी सीरीज में गए, कृणाल में गए, एचएमवी में गए, और कुछ मतलब सेम प्लेस है। नमस्ते, मैं निसार सैयद प्रोड्यूसर, मेरे दो किसान मूवी की दो गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है,
कच्चा रास्ता के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे सर डॉक्टर हिमांशु सिंगर और हमारे सर अप्पा जी विष्णु आढ़ाव, इनके स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग हो रही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमको ऐसे ही प्यार दे और हमारे मूवी को देखे और हमको बड़ा बड़ा प्रोत्साहन करें। और इसमें खास करके हमारे जो डायरेक्टर है जयेश राठौर जी, उनकी काफ़ी मेहनत है और ये मूवी के लिए हम लोग 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। और बस इस मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस आपकी दुआ चाहिए। बाय। अब लौट के उसका ना क्या। हेलो गाइस, मेरा नाम है जयेश राठौड़। कच्चा रास्ता मूवी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये मूवी के पीछे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम इस मूवी के लिए मेहनत कर रहे हैं और फाइनली आज ये मूवी का जो एक गाना रिकॉर्ड हुआ है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु सर को, जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इससे इतना कोई सपोर्ट नहीं करता है और उसी के साथ साथ वो मतलब आर्टिस्ट के बारे में इतना सोचते, इतना बैक टू बैक लोगों के लिए इवेंट करे, आर्टिस्ट के लिए इवेंट करे। और जब हम डॉक्टर साहब से मिले, हमने बोला कि सर देखिए ये हमारा मूवी है, हमको इसके अकॉर्डिंग कुछ सॉन्ग बनाना है। तो सर ने बिना टाइम वेस्ट किए हमको अगले दिन ही सॉन्ग का लिरिक्स मेरे हाथ में रख दिया। सो लिरिक्स हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया ना, सो मैंने डॉक्टर साहब को कहा सर ये हमको गाना चाहिए। सो उसी के साथ हम यहाँ पर ये एवी म्यूज़िक स्टूडियो के यहाँ पर आए, म्यूज़िक स्टूडियो में यहाँ पे जो सर बैठे इन्होंने भी इसका म्यूज़िक है गाइस इतना सुपर बनाया है ना, मैं बता नहीं सकता। मुझे फर्स्ट टाइम सुन के ही मैंने बोला ये गाना तो हिट हो जाएगा। सो बस अब इसी के साथ मुझे हम सबको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो गाइस प्लीज़ हमको पॉसिबल हो उतना सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत जल्दी हम गाना रिकॉर्ड करते हैं। और हाँ, हमें हमारे जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं निसार सैयद, उन्होंने भी बहुत मेहनत की को लेके। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं गाने पर। हमारा आज कच्चा रास्ता का गाना जो आज बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गया है एवी स्टूडियो में, और मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे अप्पा साहब को, आडव विष्णु साहब को और नंद कुमार केरकर जी को।